अगर आपकी कंप्यूटर का स्टोरेज फुल हो गया है और आप बार बार फाइल्स डिलीट करके परेशान हो गए हो, तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही कमाल का ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप बिना फाइल्स डिलीट किए ड्राइव स्पेस फ्री कर सकते हो। विश्वास नहीं हो रहा? हाँ बिल्कुल, विंडोज में बिल्ट इन कंप्रेशन टूल है जिससे हम किसी स्पेसिफिक फोल्डर या पूरी ड्राइव को कंप्रेस करके ड्राइव स्पेस फ्री कर सकते हैं। तो ड्राइव या फोल्डर कंप्रेस करने के लिए उस पर राइट क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हो कि इस ड्राइव में 8.45 GB स्पेस फ्री है। इसके बाद प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना है। यहाँ जनरल टैब में एक ऑप्शन दिखेगा, कंप्रेस दिस ड्राइव टू सेव डिस्क स्पेस। इसके लिए चेकबॉक्स पर चेक कर अप्लाई पर क्लिक करना है। फिर यहाँ अप्लाई चेंजेस टू दिस ड्राइव सब फोल्डर्स एंड फाइल्स ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। अब कंप्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपके डेटा का साइज कितना है। इसे आप नॉर्मली पहले की तरह ही एक्सेस कर सकते हो। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हो कि हमने कितना स्पेस फ्री किया है। डेटा कंप्रेस करने के बाद अगर आपको अपने कंप्यूटर में परफॉर्मेंस इशू आए तो सेम प्रोसेस फॉलो कर कंप्रेस कंटेंट्स टू सेव डिस्क स्पेस इस ऑप्शन को अनचेक कर सकते हो और अपने फोल्डर या ड्राइव को डीकंप्रेस कर सकते हो। विंडोज के इस बिल्ट इन NTFS कंप्रेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों है। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का फाइल कंप्रेस कर रहे हो। अगर आपकी पूरी ड्राइव .txt से फुल है तो आप उसे कंप्रेस करके काफी स्पेस फ्री कर सकते हो। वहीं अगर आपकी ड्राइव में ऑलरेडी कंप्रेस्ड फाइल है जैसे zip फाइल है तो उसे कंप्रेस करके आप कुछ खास स्पेस सेव नहीं कर पाओगे। इसके अलावा मैं आपको पूरी सिस्टम ड्राइव कंप्रेस करने के लिए भी रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि सी ड्राइव में हमारी सिस्टम फाइल्स होती है जिससे विंडोज परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर इससे जुड़ा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर जरूर बताना।